बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो ये 10th सेक्शन है CSS पास पेपर्स पैरा फर्स्ट CSS 2013 से लिया गया। पहला वर्ड है एडजॉइन और एडजर्न। एडजॉइन का मकसद है नज़दीक होना, एडजर्न का मकसद है मुहम्मल कर देना कि बाद में करेंगे, ठीक है, कोई किसी काम को बाद के लिए रख देना। द किचन एडजॉइन द डाइनिंग रूम, द मीटिंग वॉज एडजर्न अंटिल डिसम्बर 4th। एल ए का मतलब है टू मेक समथिंग स्पेशली फीलिंग लेस स्ट्रॉन्गर, किसी को कम करना या फिर किसी चीज़ को कमज़ोर कर देना। रिपोर्ट अटेम्प्टेड टू एजुकेट द पब्लिक इन एल ए फियर्स, फियर्स को कम करना, खौफ को। एल ए कहते हैं सपोर्ट समवन हुज़ इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, किसी मुश्किल हालात में पड़े हुए की मदद करना या फिर उसकी तरफदारी या हमरा होना। ही वॉज फोर्स्ड टू डिसमिस हिज क्लोजेस्ट पोलिटिकल एलाय। बेसिस कहते हैं प्लूरल फॉर्म ऑफ बेस है, यानी अड्डे, अड्डे का जामिया है ये, ठीक है। US forces are using Afghan bases in Afghanistan. उसके बाद आएंगे bases, ये grounds को कहते हैं, the underlying support or foundation for an idea, argument or process, status, बुनियाद, ये इसकी meaning लिखी हुई है। Trust is the only basis for a good working relationship. She needed coaching on a regular basis. Number 4 पे आ जाते हैं, click to make or cause something to make a short, sharp sound, कोई छोटी सी आवाज़ हो, पतली सी, ठीक है, छोटे से वक्त के लिए, टिक टिक तेज़ पतली आवाज़ या किट किट जिसको कहते हैं। शी हर्ड द क्लिक ऑफ द डोर। फिर आते हैं क्लिक, सी ए लाइक यू यू ई अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप है छोटा सा लोगों का, विथ शेयर्ड इंटरेस्ट, जिनके कॉमन इंटरेस्ट हों और हु स्पेंड टाइम टुगेदर, जो साथ वक्त गुजारते हैं, एंड डू नॉट रेडीली अलाउ अदर्स टू ज्वाइन देम, जो दूसरों को वो ग्रुप ज्वाइन करने ना दें। ऑलमोस्ट नो वन फ्रॉम हर क्लिक showed up at the reunion. Number 5 पे आएंगे distract और detract. Distract का मतलब है ध्यान हटा देना और detract का मतलब होता है कम करना या गिला करना। Reduce or take away the value of, किसी चीज़ की value को कम कर देना, ठीक है। Distract पे आएंगे prevent someone from giving full attention to something. Do not allow noise to distract you from your work. उसके बाद इसकी यूजेज है these quibbles in no way detract from her achievement. फिर उसके बाद 6 पे आएंगे liable और libel. Liable कहते हैं legally bound हो, जिम्मेदार हो, जवाबदार हो किसी चीज़ के लिए, वो liable होता है, ठीक है, जवाबदार कहेंगे आप इसको। The supplier of goods can become liable for breach of contract इन अ वेराइटी ऑफ वेज। लेबल होता है पब्लिश्ड फॉल्स स्टेटमेंट दैट इज डैमेजिंग अ पर्सनस रेपुटेशन, इज्जत ख़राब करने के लिए कोई बयानिया हो उसे कहते हैं लेबल। शी सूड टू न्यूज़पेपर्स फॉर लेबल, ठीक है। सू कहते हैं केस कर देना, ठीक है, केस फाइल करना। दो न्यूज़पेपर्स के खिलाफ इन्होंने केस कर दिया फॉर लेबल, क्योंकि उन्होंने उनकी बदनामी करने की कोशिश की, ऐसे बयानात वगैरह न्यूज़पेपर में लिखे होंगे। अब हम लोग 11th सेक्शन पे आ गए हैं, 2015 के पास पेपर से लिया गया। पहले है प्लेंटिफ और प्लेंटिफ। प्लेंटिफ कहते हैं अफसोसनाक कोई चीज़ हो। प्लेंटिफ कहते हैं कंप्लेनी को, जो शिकायत कंदा हो, मुद्दई हो, उसे कहते हैं प्लेंटिफ। प्लेंटिफ सैड सॉरोफुल एंड मॉर्नफुल। इट इज़ दी प्लेंटिव प्ली दैट इमीडिएटली टचेज हार्ट्स, ठीक है, अफसोसनाक है ये। कौन सी प्ली, प्ली कहते हैं रिक्वेस्ट को, अर्जी को। प्लेंटिव कहते हैं पर्सन हु मेक्स अ फॉर्मल कंप्लेंट अगेंस्ट समवन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। इन दिस एक्शन प्लेंटिव चैलेंज द डिनाइल ऑफ हिज एप्लीकेशन फॉर अ परमिट टू पजेज अ पिस्टल। अब उसके बाद दूसरा आता है वॉलेट और वॉरलेट, ठीक है। अ होटल एम्प्लॉय हुज जॉब इज़ टू क्लीन द क्लोथ्स ऑफ होटल गैस, ठीक है, नौकर होता है ना जो कपड़े वगैरह साफ करने के लिए खिदमत देता है अपनी। नेवर रिलिंक्विश क्लॉथिंग टू होटल वॉलेट विदाउट फर्स्ट स्पेशली टेलिंग हिम दैट यू वॉन्ट इट। वॉलेट होता है मार्शल और सॉरी मेनियल, लो फेलो रास्किल, ठीक है, बद खिदमतकार हो गया, बदमुआश, बदमाश नहीं, बदमुआश, जिसके पास पैसे ना हो, प्यादा हो गया कोई। व्हाट वॉलेट हैथ डन सच अ ब्लाइट अपॉन आर फेयर एम्पायर। फिर आते हैं मॉनिटर और मेंटोर।
मॉनिटर तो क्लास का एक मुखिया लड़का हो सकता है जो क्लास में जो है अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता है, एक इंचार्ज होता है। ठीक है, जैसा सफदर खोखर वाज चूजन टू बी मॉनिटर इन क्लास। मेंटर होता है एक तजुर्बाकार इंसान जो सलाह देता है हमें, तजुर्बाकार सलाहकार। ठीक है, दे हैव अ काउंसलर सर्विस एंड मेंटर्स फॉर स्टूडेंट्स दैट नीड देम। ठीक है, कंप्लेसेंट और कंप्लेजेंट ये हमने देखना है अब, ये रिपीटेड है। सेल्फ सेटिस्फाइड जो खुद पसंद हो, इत्मीनान बख्श हो, कंप्लेसेंट जो दूसरा है वो है टू एक्सेप्ट अदर पीपल्स एक्शन एंड ओपिनियन एंड टू डू व्हाट अदर पीपल वांट, बाद अब या खलीक होना। ठीक है, ये रिपीटेड है तो आप इसको फिर से देखेंगे 2001 वाली वीडियो में, फर्स्ट वीडियो है मेरे ख्याल से वो मेरी। पेनिटेंस और पेनेंस, ठीक है, पेनिटेंस होता है रिपेंटेंस रिमोर्स या कंट्रीशन, ये होता है पछताना पशेमान होना किसी चीज़ के लिए। पेनेंस का मतलब तकरीबन यही है, पछतावा। शी हंग हर हेड इन मोक पेनिटेंस, पेनेंस का हो गया। शी चूज टू डू पेनेंस फॉर लाइंग टू हर मदर। अब आ जाते हैं नंबर 6 पे। नंबर पहले है क्रेविस, ऊपर लिखा हुआ है क्रेविस, अ नैरो क्रैक इन अ रॉक और वॉल, चीर या दरार होना किसी पत्थर में या फिर किसी दीवार में। ठीक है, द सन पेनिट्रेट्स द केव थ्रू ओपनिंग्स एंड क्रेविसेस। ठीक है, फिर आता है क्रेविस, अ डीप ओपन क्रैक स्पेशली वन इन आइस, बर्फ में कोई दरार हो। अ ग्लेशियोलॉजिस्ट सेड द क्रेविसेस कुड बी वाइड ओपन वेटिंग टू स्वालो द अनवेरी। ठीक है, बेनिफिसेंट और बेनिफिशियल जो है, बेनिफिसेंट कहते हैं मेहरबान या फयाज हो, गिविंग हेल्प शोइंग काइंडनेस। व्हाट इफ अ बेनिफिसेंट एम्प्लॉयर गिव्स हिज एम्प्लॉयज सम पेड टाइम ऑफ। बेनिफिशियल होता है मुफीद, फायदेमंद, फेवरेबल, एडवांटेजेस, विटामिन्स आर बेनिफिशियल टू हेल्थ। ठीक है, फिर 2016 पे हम लोग आ जाते हैं, एडवर्स और एवर्स ये रिपीटेड है, आपने इनको फर्स्ट वीडियोस में जाके देखना है। उसके बाद है अल टुगेदर और ऑल टुगेदर, अल टुगेदर इंटायरली कम्प्लीटली अटरली पूरा सारा। देवर अल टुगेदर 20 पीपल एट द डिनर, ऑल टुगेदर यूज ऑफ अ ग्रुप टू इंडिकेट दैट इट्स मेंबर्स परफॉर्म्ड आर अंडरवेंट एन एक्शन कलेक्टिवली, सब साथ मिलकर कोई काम करें। द नेशन स्टूड ऑल टुगेदर। फिर एल्यूड आएगा नंबर 3 पे, और एल्यूड आएगा, एल्यूड ए से आएगा, एल्यूड ई से आएगा। ठीक है, टू मैंशन समथिंग इन अ इनडायरेक्ट वे, इशारा करना इनडायरेक्ट तरीके से या फिर कोई हवाला दे देना। ही एल्यूडेड टू प्रॉब्लम विद द न्यू कंप्यूटर्स। एल्यूड जो ई वाला है उसकी मीनिंग होगी टू मैनेज टू अवॉइड और एस्केप फ्रॉम समवन और समथिंग, किसी चीज़ को टालना, किसी चीज़ को टालते रहना, इस तरह से। द थीफ एल्यूडेड द पुलिस। उसके बाद आते हैं नंबर 4 पे, ब्रेस और ब्रेस। ब्रेस का मतलब है पानी में कोई चीज़ पकाना। द व्हील विद चिली एंड ब्रेस्ड सैलेड वॉज आई मस्ट कन्फेस एक्सलेंट। ठीक है, ब्रेज आएगा जेड वाला, सोल्जर विद एले ऑफ ब्रेस एंड जिंक, ये जिस्ट होता है ना, एक मेटल है जिसे हम सिंधी में जिस्ट कहते हैं, पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, पीतल और जिस्ट से जो है ना टाका लगाना किसी चीज़ को। अ डिस्क इज ब्रेज्ड टू द कट ऑफ एंड ऑफ द ड्रिल शेंक। ठीक है, कर्ब और कर्ब, ये जो कर्ब है कंट्रोल और लिमिट समथिंग, किसी चीज़ को महदूद कर देना, रोक देना। कर्ब योर एंगर, अपने गुस्से को जो है ना काबू में रखो। के ई आर बी, ये जो कर्ब है, द एज ऑफ रेस्ड पाथ एट द साइड ऑफ द रोड। अब रोड के साइड से आपने देखे होंगे ना कि कर्ब्स होते हैं, ठीक है, ये दिए गए कर्ब्स होते हैं, स्पेशली टर्निंग पॉइंट्स ऑफ रोड जो होते हैं वहाँ पे होते हैं ये। ट्रसेस ऑफ द स्टोन कर्ब कैन बी सीन ऑन द ईस्ट साइड, दोनों रोड के साइड से पत्थर लगाए जाते हैं ना जो, उनको भी कहते हैं कर्ब। ठीक है, इसके साथ मैं वीडियो अपनी यहाँ पे 2016 पे एंड करता हूँ, 2017 से 18 के जो वीडियो है वो मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड लक टू यू ऑल एंड टेक केयर, थैंक यू।